परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी, व्याकरण के उद्भट विद्वान, संस्कृत साहित्य और वैदिक परंपरा के निष्णात आचार्य विजयपाल प्रचेता जी, और आप सभी हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, भगवान ने निमित्त जब बना देता है तो बहुत कठिन और बहुत दुर्गम कार्य भी सुगम हो जाता है। और सच बताऊं, कभी भी कुछ भी कार्य हमने शुरू किया, शुरू करने से पहले जरूर ऐसा लगता है कि ये कार्य कैसे हो पाएगा कि नहीं, परंतु प्रारंभ करने के बाद में कभी एक बार के लिए भी मन में यह भाव नहीं आता है कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। उसका भी एक एग्जाम्पल है, भौतिक कार्यों में भी आप देखोगे तो हमने 3-4-5 महीने से मैं लगा हुआ था। अभी असम में बड़ा प्रोग्राम होना है, हमने नई जगह थी, वहाँ पर साधन नहीं थे, बड़े मुश्किल से किसी से कोई हमने जमीन तय किया। तो मेरे को दो चीज़ें लगती थी, एक तो ये लगता था कि काम तो होगा, पर जिस तरह की स्थिति से हम कार्य कर रहे थे, मुझे नहीं लगता था कि हम इस चीज़ को यहाँ से पूरा कर पाएंगे। तो ये मन में लगा रहता था, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी को हम रिपोर्ट देते थे कि हम लगे हुए हैं, वार्ता कर रहे हैं। अंततः जिस दिन हम एक तरह से कार्य प्रारंभ करने वाले थे, उसकी पूरी तैयारी हो गई, नक्शा ड्राइंग सब बन गया, बनने की सडनली उसी दिन निर्णय को तुरंत बदल करके, जहाँ कहीं कल्पना भी नहीं है वहाँ से कोई 200 किलोमीटर दूर जाकर के, अगले दिन से ही हमने वहाँ भी कुछ कार्य शुरू कर दिया। और वहाँ थोड़े से विघ्न आए, परंतु वो विघ्न भी दूर हुए, और अभी 6 तारीख को भूमि पूजन है बड़े लेवल पर। यानी कि पतंजलि जो आयुर्वेद की कल्पना है, उस आयुर्वेद का एक जो बहुत बड़ा जो व्यापक स्वरूप है, वो असम के सुदूर प्रांत में अभी 6 तारीख को भूमि पूजन के रूप में होगा। यह मैंने इसलिए थोड़ी सी बात आपको बताई क्योंकि व्यक्ति स्वयं का विजेता, बाहर से हम विजय तब प्राप्त कर सकते हैं जब अंदर से हमने यदि हार नहीं माना हो। यदि स्वयं हार मान के बैठ जाओगे, क्योंकि बहुत सारे आप लोग आते हैं, कुछ डटे हुए हैं, कुछ बीच में ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो ये जो दुनिया है ना, हार मानने वालों के लिए नहीं है, ये विजयी लोगों के लिए है। यदि आपके हृदय में पूरी दृढ़ता है और आपके विचार और आपकी जो सोच है, आपके जो कार्य है, उसके प्रति आपको कहीं पर भी यदि शंका नहीं है, वहाँ पर निर्भ्रांतता है, तो आप समझ लो कि वो कार्य अवश्य पूरा होगा। उस कार्य को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि पूरी दृढ़ता, पूरा सफल होने का संकल्प ये रहेगा तो फिर कोई भी आपको असफल नहीं कर सकता है। यदि असफल हो भी जाए बाह्य रूप से, भौतिकी रूप से, तो वो थोड़ी देर के लिए होगा, वो आंशिक होगा। वो हमेशा के लिए नहीं होगा, वो क्षणिक होगा। परंतु सफलता मिलने के बाद में भी यदि आप मानते रहे कि मैं तो असंतुष्ट हूँ, मेरा लक्ष्य तो मिल नहीं रहा है, मैं खोज रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, शायद यही खोज रहा था या और कुछ चाहिए था, ऐसा सोचते रहो, सब कुछ होकर के भी कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। इसीलिए अंदर से पूर्णता, अंदर से तृप्ति, अंदर से उस खोज के प्रति दृढ़ता, सब कुछ चाहिए।
जब हम पाने के लिए लगें, पाने के लिए प्रयास करें, उस प्रयास के समय पर यदि उत्साह नहीं है, उस प्रयास के समय एक आनंद की और तृप्ति की और एक उत्साह की और अंदर से उल्लास की स्थिति नहीं है, तो ये मानो कि पाने के बाद उत्साह उल्लास नहीं रहने वाला। इसलिए करते समय भी कि प्रतिक्षण प्रतिपल आप इस भाव से काम करते हो कि अभी तो चलो मैं लग रहा हूं, मैं परिश्रम कर रहा हूं, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं, सुबह से शाम सुबह उठा देते हैं, फिर हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसके बाद मेरे को न जाने क्या अद्भुत उत्तम और श्रेष्ठ लाभ होने वाला है। मैं कहता हूं कि प्रतिदिन जो कर रहे हो वो भी लाभ है, वह भी प्राप्ति है। कितना आनंद से वेद मंत्रों का आप उच्चारण करते हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और आप बहुत शकुन से बहुत मधुर मधुर पदार्थों का सेवन करते हैं और बड़ा आनंद से उत्सव की तरह दिन को बिताते हैं। यदि इसका भी आनंद तुम नहीं ले सके तो जीवन को इससे बढ़िया आनंद के क्षण कभी आने वाले नहीं है। हम उसका आनंद लें, दुनिया की गंदगी से, दुनिया की मलिनता से, दुनिया की कटुता से, राग द्वेष और दूसरे काम आदि विकारों से परे रह करके आपको शांति से आपके समय यापन करते हुए कुछ पाने का मौका मिल रहा है, तो मैं समझता हूं कि इससे कोई भी अमूल्य क्षण नहीं हो सकता, इससे बढ़िया अद्भुत और इससे बहुत उच्च कोई स्थिति नहीं हो सकती है। तो इसका भी आनंद लीजिए और जो पाएंगे वह भी फिर आनंददायक होगा। तो यह आध्यात्म पथ का जो मार्ग है, मार्ग भी सुखकारी है, आनंददायक है और जो मिलेगा वो भी आनंददायक होगा, क्योंकि लक्ष्य कोई दूर नहीं है, लक्ष्य वही है जो मार्ग है, मार्ग से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो इतनी सी बात है जो आध्यात्मिकता को हम समझ पाए, क्योंकि हमको भी पहले लगता था हम बहुत भ्रमण करते रहे हैं, श्रद्धेय स्वामी जी की तो इतनी यात्रा या यात्रा में रुचि थोड़ी कम रहती थी, पर हमको ज़्यादा अच्छा लगता था कि हमको कुछ पाना है, जो कुछ भी था उसको कभी हमने पाया हुआ नहीं माना, जो अप्राप्त था उसके लिए बहुत जुटे रहे। पर एक स्थिति ऐसी आई, या अब मैं ये कह सकता हूँ कि हमको यह प्रतीत होता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, आवश्यकता है उसको महसूस करने की। तो अपने गुणों को, अपने विशेषताओं को, अपने सामर्थ्य को, परमात्मा के द्वारा मिली हुई कृपा को महसूस करना शुरू करो। इस देश में करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं, ये कभी मत भूलना। वो लोग शायद हो सकते हैं तुमसे ज्यादा जिज्ञासु भी हों, तुमसे ज्यादा बुद्धिशाली भी हों, तुमसे ज्यादा वैराग्यवान भी हों, तुमसे ज्यादा श्रद्धा और समर्पण से युक्त भी हों, परंतु दैवीय जो व्यवस्था है कुछ ऐसी व्यवस्था है कि उन सबको शायद वह मौका नहीं मिल पाया। आप सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों को वह मौका मिल पाया, ऐसा मौका भगवान ने आपको प्रदान किया। दूर देखने की आवश्यकता नहीं है, ये हरिद्वार ऋषिकेश ये साधुओं की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, यहाँ हजारों हजारों युवक और युवतियाँ जीवन में कुछ पाने की लालसा को लेकर के, जीवन मुक्तता की आशा को लेकर के कुछ हिमालय और कंदराओं में बहुत 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 तप करते हैं। तप करते करते भी जीवन की यथार्थता को पाने की जगह पर कई बार यथार्थता से भटक भी जाते हैं। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि परम श्रद्धेय गुरुदेव का, परम वंदनीय श्रद्धेय स्वामी जी का आपको आशीर्वाद और इतना उपदेश प्रवचन शिक्षा अद्भुत है। हमको नहीं लगता कि जितना मिलता है उसमें से कि आप 10% भी ग्रहण कर लो तुम्हारे इस जीवन के कल्याण के लिए पर्याप्त है। यदि 100% कर लिया
तो मोक्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। तो इसीलिए इस चीज को महसूस करिए। तो हम काम कर रहे थे, भौतिकी रूप से जब काम कर रहे होते हैं तो भी हमारा मन कई बार आंतरिक स्थितियों में ही रहता है। हम अपने आप को, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, बाहर से अत्यंत क्रियाशील, अंदर से पूर्ण शांत, वैसे यह परस्पर विरोधी बात जैसी ही बात लगती है, परंतु इसके बिना कोई उपाय भी नहीं है। यदि बाहर से क्रियाशील नहीं होगे तो अंदर उथल पुथल मचेगा। तो अंदर की उथल पुथल को शांत करने के लिए बाह्य क्रियाशीलता से बढ़िया कोई चीज नहीं है। जब तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं होगी तो न विकार आएंगे, न विकृतियां आएंगी, न किसी के निंदा स्तुति में लगोगे, न किसी अपकारी विषयों में कोई चिंतन करोगे, तभी क्रियाशील रहोगे। क्योंकि शरीर थकता है कार्य से, सच मानिए मन अपने आप शांत होने लगता है। कभी देखना, कुछ नहीं समझ में आए, बढ़िया ढंग से बैठ करके प्राणायाम कर लो, खूब व्यायाम कर लो, तो भी शरीर थकते ही मन शांत होने लगता है। ये एक अद्भुत बात है। जब आपके मस्तिष्क में कार्यों को लेकर के, योजनाओं को लेकर के बहुत ज्यादा व्यस्तता हो, मस्तिष्क के अंदर थोड़ी सी भी जगह ना हो, तो बाकी चीजें नहीं आ सकती हैं। परंतु यदि खाली रहोगे, मस्तिष्क क्रियाशीलता से तात्पर्य स्थूल क्रियाएं सिर्फ फावड़ा चलाना या कोई हार्ड इस तरह का वर्क करना भी नहीं है, वहां पर वह मानसिकी, बौद्धिकी, शारीरिकी, योजनाएं, योजनाओं का क्रियान्वयन, लेखन, पठन, पाठन, जो भी कार्य हो सकते हैं और कुछ ना समझ में आए तो खेती बाड़ी से लेकर के गौ माता की गोबर उठाने तक का काम आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन उसमें तल्लीन और तद्रूप हो जाए कि आप बैठ करके जब कार्य कर रहे हों तो फिर कार्य से बाहर आपका मन न जाए। करके तो देखो। तो फिर ये जो भाव है आपको कि मैं अशांति से और कुछ अन्वेषण या कहीं और कुछ ढूंढने की जो भावना है वो अपने आप कम होने लगती है। तो अत्यंत क्रियाशीलता से ही अत्यंत शांति की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए आप प्रयास करें। यह समय, यह अवसर, मैं तो हमेशा कहता हूं, यह ना श्रद्धेय स्वामी जी को मिला, ना हमको मिला ऐसा वातावरण, ऐसा अवसर। तो इसीलिए अवसर और वातावरण वह आपके लक्ष्य के लिए सहयोग करने का साधन है, बशर्ते इसको हम समझ पाए। कई बार साधन की अनुकूलता प्रतिकूलताओं में, उनके चिंतन में, उनके विषय में वार्ता करने में हमारा बहुत सारा समय वो व्यर्थ चला जाता है। भोजन मिलता है, वस्त्र भी है, हमको तो दो दो जोड़ी कपड़े में, अभी भी मेरे पास भी, स्वामी जी के पास भी दो चार जोड़ी कपड़े मिलेंगे, शायद आपके पास हमसे ज्यादा ही होंगे, कम तो होंगे नहीं। तो उन सब चीजों में वो साधन है ना, यदि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, ये सब चीजें माने नहीं रखती हैं। पर ज्यो ज्यो आप गहरे उतरते जाएंगे त्यों त्यों इन विषयों को और समझ पाओगे। मैं बात को इसलिए, इतनी सी बात इसलिए कह रहा था, श्रद्धेय स्वामी जी अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं। इतना पुरुषार्थ करते हैं कि शायद यदि उसका मूल्यांकन और आकलन करें, वो कई सौ आदमी के बराबर अकेले काम करते हैं। और उन कई सौ आदमी में भी एक समझने की बात है, एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि कार्यों में इतनी विविधताओं को संभालना ये और भी दुस्तर कार्य है। वहां सैकड़ों आदमी होने से भी उन कार्यों की विविधता को समग्रता के साथ में उसको अग्रिम पंक्ति में पहुंचाना, यह सबसे दुस्तर और कठिन काम है। इसको आप समझिए।
तो उन कार्यों को करते हुए कई बार रहता है हमारी बौद्धिक क्षमताओं में और सदैव स्वामी जी की क्षमताओं में बहुत भिन्नता भी है, फर्क भी है। तो कई कार्यों को लेकर के हमको लगता है कि स्वामी जी इतना क्यों करते हैं, पर कभी कभी जब मैं उसका दूसरा पक्ष देखता हूँ, समाज के लिए देखता हूँ, राष्ट्र के लिए देखता हूँ, हमारी संस्कृति, अध्यात्म और हमारी परंपराओं के लिए मैं जब सोचता हूँ, तो मुझको लगता है कि इसका जो मूल्यांकन है, आज का जो मूल्यांकन है, जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं, वह मात्र हम 2-4-5% ही मूल्यांकन कर पाएंगे। जो मूल्यांकन नहीं किया गया है उसका जो प्रभाव है 90-95% जो प्रभाव तो समय बीतने पर पता चलेगा। कुछ कार्य होते हैं ना, जैसे अभी फिल्म कोई एक्टर है या कोई क्रिकेट का कोई प्लेयर है, जब वो चौके और छक्के जड़ रहा होता है तब उसकी चर्चा होती है, जब वो चौके और छक्के जड़ना बंद कर देता है 2-4-10 साल हो जाता है, लोग भूल भी जाते हैं, नाम भी याद नहीं रहता है। इसी तरह से नाचने गाने बजाने वाले बड़े फॉलोइंग होती है उनके, बड़े लोग होते हैं, थोड़े दिन के बाद जब बूढ़े से होते, बोले वो उस जमाने का हीरो था, उस जमाने के हीरो भी बूढ़े हो गए, लोगों के साथ साथ लोग भी गए, वो भी गए, दोनों ही इस दुनिया से, उनका जो था वो भी साथ साथ में चला गया। परंतु जो कार्य संस्कृति के लिए किया जाता है, जो कार्य राष्ट्र के लिए किया जाता है, जो कार्य परंपरा के लिए किया जाता है, जो कार्य देश के लोगों के लिए, आम जनता के लिए किया जाता है, वह कार्य व्यक्ति के साथ समाप्त नहीं हो जाता है, अपितु व्यक्ति के बाद में भी उसका मूल्यांकन होते 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 वो सतत वृद्धि को प्राप्त होता है। जितना आज है उससे वो सैकड़ों गुना जो है वो आगे 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 उसका मूल्यांकन होता रहता है। यह फर्क है, इसको हमको समझना होगा कि तत्क्षण जो उसका प्रभाव है और दीर्घकालिक जो उसका प्रभाव है। तो उन कार्यों को करते हुए सब जानते हैं, आज कितने भी लोग हों योग सिखाने वाले, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जो स्वामी जी से पहले जिन्होंने योग का थोड़ा वातावरण बनाया, जिन्होंने पुरुषार्थ किया। यदि समकालीन लोगों में एक दो लोगों की बात करें तो उनकी सीमित स्थिति को भी सब जानते हैं, परंतु जिस तरह से योग को, जिस दृढ़ता से, जिस पुरुषार्थ से, जिस लगन से, जिस समर्पण से, जिस तपस्या से, जिस ज्ञान की पराकाष्ठा में जी करके जो स्थापित किया गया, वो एक अद्भुत, अनुपम और मैं यूं कहूं कि न वो भूतो न भविष्यति वाला कार्य था। इस सब होने के बाद में आप जानते हैं इंटरनेशनल योग दिवस हुआ, योग दिवस होने के बाद में आज पूरी दुनिया में स्वामी जी को घर घर जाकर नहीं कहना पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने उस कार्य को राजनीतिक रूप से एक स्वरूप प्रदान किया, यूएनओ में जाकर के उसकी घोषणा करवाई, उनकी उस योग के प्रति निष्ठा, भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी जवाबदेही उससे प्रकट होती है। परंतु उस योग को यदि दुनिया के लोग यदि ना जानते होते, दुनिया के अलग अलग लोगों के अंदर योग का प्रभाव ना हुआ होता, तो शायद इतने बड़े स्तर पर उस योग को लेकर के स्वीकृति और सहमति भी तो नहीं मिलती। तो किसने बनाया? यदि आज सबसे ज्यादा शब्द को कोई जानता है दुनिया में तो वह योग शब्द ही है, तो उस स्थिति पर योग को किसने पहुंचाया? आप जानते हैं कि उसका श्रेय श्रद्धेय स्वामी जी को जाता है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा व्यक्तित्व के साथ में तुम सबको उनकी वाणी को सुनने का, उनकी साथ में रहने का, उनकी तपस्या की छत्र छाया में, उनके चरण चिन्हों पर चलने का, सोचने का, विचारने का, सीखने का, जानने का आपको मौका मिला है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि हम फिर भी ना समझ पाए तो उसमें शायद
वह दोष हमारा ही होगा। तो मैं बात इसलिए इतनी सी बात मैं कर रहा था, उस योग को लेकर के जब बात आई कि उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, प्रमाणिकीकरण होनी चाहिए, या योग को लेकर के जब कुछ बात आने लगी तो बात हुई, लोगों ने कहा कि स्वामी जी जो है वो कपाल भांति को प्राणायाम कहते हैं। कपाल भांति तो वो तो क्रिया है, षट कर्मों में वो शोधन की क्रिया है, क्योंकि जो मकरंद जो मधुमक्खी होती है ना, वो फूलों में ही बैठती है और जहाँ से मधुर रस मिलता है उस रस का आस्वादन करती है और आस्वादन करके मधु के रूप में पूरी दुनिया को देती है। परंतु जो मक्खी होती है ना दूसरी, वो कहाँ बैठती है, वो गंदगी में मल में बैठती है और स्वयं उसका स्वाद लेकर के उसी का वितरण करते हुए विविध बीमारियां और व्याधियों का कारण बनती है। बाकी इतने से ये समझ लेना, कुछ लोगों को दोष दृष्टि में सलाह देने वाले कोई अब कम थोड़ी ना है, पहले कम थोड़ी ना थे। अच्छा लगता है किसी ने कोई पुस्तक लिख ली, उस पुस्तक के अंदर कोई हमको, हम एडिटर बन जाते हैं, संशोधक बन जाते हैं, वो सरल है, पर लेखक बनना बहुत दुस्तर कार्य होता है। कोई कार्य कोई संपादन कर लेता है उसमें सलाह देना बहुत सरल होता है, परंतु कार्य का संपादन बहुत कठिन होता है। तो कपाल भांति को लेकर के थोड़ी बात उठी, बड़ी बात नहीं थी। अरे तुम मानो ना मानो, मुट्ठी भर लोगों, दुनिया तो कपाल भांति को प्राणायाम के रूप में सवेरे सवेरे करती ही है, और जो लोगों के जीवन में जो चीज उतर गई है तुम्हारे भाषण से, वो चीज कभी जीवन से पृथक नहीं हो सकती है। पर मैं सुनता था, मेरे को कभी कभी लगता था मेरे मन में कि ऐसा ठीक है, स्वामी जी का बड़प्पन है, बड़ी बात है, इनको कुछ लगती नहीं है। कई बार क्या होता है कि मैं स्वामी जी को मैं कुछ कहूँ वो मेरा अधिकार है, यदि स्वामी जी के लिए कोई कुछ कह दे वो बालकृष्ण उसको सहन नहीं कर सकता। छोटा सा भी कारण देखो, कभी कौन बन सकता है, कभी जीवन में सारी परिस्थितियों को उसने भोगा नहीं होता है। थोड़ी देर बैठ जाओ, बिना बारिश के भी तो सोच लो कि तुम बहुत बारिश हो रही है, तो भयानक बारिश के अंदर ओले पड़ रहे हैं और रिमझिम रिमझिम बारिश बरस रही है, पत्तियों में बिल्कुल पत्तियां हिल रही हैं, चिड़ियां चहचा रही हैं, उड़ रही हैं, कितने सुंदर कल्पना है। आप लिखो धड़ाधड़ धड़ाधड़, बहुत सारे पेज लिख लोगे, फिर तुमको शीत ऋतु के विषय में लिखना है, हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां सफेद सफेद चादर ओढ़े हुए कहीं स्वर्ण की तरह से वह चमकती हुई, कहीं चांदी की तरह से अपनी सफेदी को लिए हुई, और उन हिमालयों में से उतरते हुए जब बहते हुए झरने, वो बर्फ कपकपाती ठंडी ठिठुरन, कल्पना करो बैठ करके, तब तुम बहुत अच्छा लिख पाओगे। मैं भी काम करता हूं, ये मेरी मर्जी है कि मैं किस चीज को कितनी गहराई से लूं या किसको मैं इग्नोर कर दूं। कभी कभी लोगों को लगता है ये तो इतनी बड़ी बात थी, आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, आप लोग भी कुछ करते रहे तो देखता रहे तो मेरे को कुछ नहीं लगता। कभी कभी आप लोगों की छोटी छोटी बात भी हमको लगती है। तो बात हुई, होने के बाद में हमको अच्छा नहीं लगा, हमने फिर प्राणायाम को लेकर के शास्त्रों में जिन जिन संदर्भों के द्वारा कपाल भांति को प्राणायाम की श्रेणी में रखा जा सकता था उस कार्य को हमने शुरू किया।
कार्य प्रारंभ करने के बाद में उस कार्य को आचार्य विजयपाल जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया। हम लोगों ने एक स्थिति तक गुरुदेव का भी उसमें वरद हस्त उनका भी मिला हमको, तो कार्य हो गया। कार्य होने के बाद में एक स्वरूप बना, एक लेख आर्टिकल बना, योग संदेश के माध्यम से सब हमने कर दिया, पर हमको कुछ तृप्ति नहीं हुई, हमको पूरा शकुन नहीं मिला। मैंने कहा ना, मन में लगने की बात है। अच्छा, शिवलिंग के ऊपर चूहे चढ़ते हुए तो सारी धरती ने देखे थे, उस ऋषि दयानंद को क्यों लगी थी बात, उसको क्यों लगा था? हर रोज वही घटनाएं हैं। अरे मरण व्याधि शोका नाम की मध्यापतिशति, सुबह उठते या तो कोई मरता हुआ दिखता है, कोई मरने की बात दिखाई देती है, कोई बुढ़ा दिखाई देता, कोई रोगी दिखाई देता। हमको तो कोई वैराग्य आता नहीं, वो महात्मा बुद्ध घर छोड़ के क्यों भाग गया था भाई? लगने की बात थी, उसको लगी तो लगने की बात है, पर लगने की बात सही जगह लगेगी तो सही दिशा भी मिलेगा। लगने की बात यदि गलत जगह लग गई तो उल्टी लगती है, तो उकचुक भी हो जाता है। तो सीधी सीधी लगानी तो अच्छी बात है, ये समझना, ये लगाने तो अच्छी बात है, पर वो सीधी लगाओ या उल्टी लगाओ वो अलग बात है। तो हमने सीधी सीधी लगाई, क्योंकि यदि मुझे कार्य सिद्ध करना होता है, मैं उसको सकारात्मक रूप से, उसको चुनौती के रूप में लेता हूं, यह लगने की बात है। किसी ने कहा कि तू सुबह उठता नहीं, अच्छा कल देखूंगा, दो घंटा और सोऊंगा, तो लगने की बात कहां हुई, तो नाश की बात हो गई। लगती तो बोले मैं 10 मिनट पहले उठ के दिखाऊंगा, यह लगने की बात, इसको समझो। तो इसके बाद में फिर हमने सोचा कि एक पुस्तक की कल्पना की जाए। उस पुस्तक की कल्पना में हमने कुछ विषयों को संग्रहित किया। इधर सविता बहन जी बैठी हैं, इन्होंने भी सेवा करी उसमें थोड़ी सी, एक योगाष्टकम करके हमारी पुस्तक सी बनी। बनते बनते शास्त्रीय शैली में हमने उसका स्वरूप बनाया, परंतु हमने सोचा कि इस पुस्तक का आधार क्या होना चाहिए। तो हमने सोचा कि दुनिया में बहुत सारे लोग बहुतों के लिए लिखते हैं, बहुत सारी कहानियां और किंवदंतियां एक दूसरे के लिए सुनाते हैं। किसी ने बापू के लिए लिखा, किसी ने माँ के लिए लिखा, किसी ने अपने प्रेमी के लिए लिखा, किसी ने प्रेमिका के लिए लिखा, दुनिया में दुनिया के लोगों ने अपने जो थे उनके लिए लिख डाला। मैंने सोचा ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है कि एक मित्र की मित्रता को निभाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई, इसका मूल कारण यह है। तो हमने फिर जब उसके पर काम शुरू किया, काम शुरू करने के बाद में एक स्वरूप बन गया था। बनते बनते फिर बात आई, आपको पता है कि मैंने अष्टचक्र के विषय में, चक्रों का और अष्टचक्र के संदर्भ में अपनी आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य में पहले ही काफी वर्णन किया, और पूरे नए ढंग से अष्टांग योग के साथ भी, वो भी आप लोगों को मैंने पिछली बार बताया, हमने जोड़ने का प्रयास किया, पर मन में कहीं ना कहीं पूर्ण तृप्ति नहीं थी, एक संतुष्टि की जो स्थिति होती है वो नहीं थी। तो मैंने कहा जब मैं पुस्तक लिख रहा हूं, वो पुस्तक योग के ऊपर है, प्राणायाम के ऊपर है, प्राण की क्रियाओं के ऊपर है, तो क्यों नहीं हम इसकी गहराइयों में हमको उतरनी चाहिए।